नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल लोक संवाद में। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे न्यू चैनल है ये और आपको इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसी जानकारी मिलेगी। जी हां, यह लोक संवाद जो है विद्या भारती बिहार का जो है अपना जो है लोक संवाद चैनल है, जिसके माध्यम से यह अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप तक पहुंचाती है और आपको इंट्रैक्ट कराती है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है विद्या भारती बिहार जो लोक शिक्षा समिति है उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि इस वैकेंसी के बारे में आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर करके सभी को बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सभी प्रकार की क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद से आप बहुत ही अच्छी जो है एक टीचर की जॉब पाते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि विद्या भारती एक बहुत ही बड़ी जो है कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, और इसके माध्यम से पूरे भारत में जो है सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के नाम से जो है बहुत सारे विद्यालय जो है चलते हैं। तो इन्हीं विद्यालयों के बारे में जो है यह वैकेंसी है। जी हाँ, इस विद्यालय में महिला और पुरुष के आचार्य के यानी कि जो है पूरी प्राइमरी सेक्शन से लेकर के जो है उच्चतर माध्यमिक तक आपकी जो है वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ, प्लस टू तक अगर आप इसकी अर्हता हासिल कर रखे हैं तो आप जो है इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। आइए इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको मैं समझाता हूं और उसके बाद से जो है आप देख पाएंगे कि सारी की सारी वैकेंसी जो है इसमें जो भी आई हुई है यह काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको मानधन नहीं मिलता होगा, जो आपको कह सकते हैं कि पेमेंट नहीं मिलता होगा, वो मानधन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जी हाँ, तो जी तोड़ मेहनत करें, इसकी तैयारी भी जो है आपको लगातार जो है मिलते रहेगी। तैयारी के बारे में भी मार्गदर्शन आपको जो है लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वैकेंसी क्या है और किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका पूरा प्रोसेस जो है इस चैनल के माध्यम से आपको जो है पर्टिकुलर वीडियो बाई वीडियो जो है मिलेगी। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोक शिक्षा समिति के वेबसाइट पे लॉग इन करेंगे, lokshikshasamiti.org। जी हाँ, इस प्रकार से आपको टाइप कर लेना है एड्रेस बार में और उसके बाद से जो है जैसे ही लॉगिन होता है, देखिए इस प्रकार से यह लोक शिक्षा समिति की वेबसाइट है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई फॉर आचार्य चयन परीक्षा, यहाँ पे एक जो लिंक दी हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ पे साइड में भी आचार्य चयन परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म दी हुई है, इस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से कभी कभी एरर आ सकता है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो आपको यहाँ पे जो नीचे एक एडवांस का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, अगर इस प्रकार का मैसेज शो करता है तो, नहीं तो ऐसे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और उसके बाद से नीचे आके प्रोसीड टू आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट पर आचार्य चयन परीक्षा पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, फॉर एडमिन एंड फॉर एप्लीकेंट। तो फॉर एप्लीकेंट पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आप एप्लीकेंट है। ठीक है, अब एप्लीकेंट पे क्लिक करने पे यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे लॉगिन और साइनअप दो ऑप्शन आते हैं। तो आप अगर जो है न्यू यूज़र हैं तो आपको जो है साइनअप करना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। तो साइनअप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको आएंगी क्रेडेंशियल जिसे आपको फिल करना है, जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, DOB, ठीक है, मेल फीमेल, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। आपको मैं बता दूं कि आपका फ़ोन नंबर और DOB जो है वह आपकी होगी लॉगिन आईडी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से जैसे मैं फिल कर रहा हूँ उस प्रकार से कुछ अपनी क्रेडेंशियल फिल कर देना है। देन आफ्टर आपको जो है लॉगिन करना है और लॉगिन पे जैसे जाएंगे तो अपनी फ़ोन नंबर यानी कि आपको अपनी फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे टाइप कर देनी है और पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है आप फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद से आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी यह फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं आप आचार्य चयन परीक्षा फॉर्म इस प्रकार से आ रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ डाउनलोड सेक्शन, दो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं तीन ऑप्शंस आ रहे हैं डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करें, डाउनलोड फील्ड फॉर्म, डाउनलोड वर्किंग अप्रूवल फॉर्म एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो चूंकि एडमिट कार्ड जब आपकी आएगी तब आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आचार्य चयन फॉर्म पे। जैसे ही आचार्य चयन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और आचार्य चयन फॉर्म की लिंक आएगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से जो मैंने इंस्ट्रक्शंस में बताए थे आपको वैकेंसी के बारे में कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है वैकेंसी चाहिए, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लें। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है,
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंधित लोक शिक्षा समिति बिहार, यानी कि पूरे भारतवर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के नाम से यह जो संस्था चलती है, इसकी यह वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आचार्य चयन परीक्षा इसको कहा जाता है। इसमें एक्चुअली जो शिक्षक होते हैं इनको आचार्य कहते हैं, ठीक है, चाहे वो महिला आचार्य हुए या पुरुष आचार्य हुए। और इसमें तीन कैटेगरी की वैकेंसी है। जी हाँ, तीन कैटेगरी की वैकेंसी, अर्थात यह है कि प्राइमरी सेक्शन के लिए है और मिडिल सेक्शन के लिए है और प्लस उच्चतर माध्यमिक के लिए है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि क्लास 5 तक यानी कि प्राइमरी सेक्शन है, फिर जो है क्लास 6 to 10 के लिए विद्या मंदिर, और प्लस टू के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और यह आवेदन पत्र का पूरा जो है यहाँ पे डिटेल जो है दिया हुआ है, इसको मैं आपको बिल्कुल जो है कह सकते हैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए। यह आवेदन पत्र पूर्णतः ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹300 है, जो डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट लोक शिक्षा समिति बिहार के नाम से मुजफ्फरपुर में भुगतान होगा। यानी कि आप जब भी जो DD बनाएंगे, उस DD की मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा, एक DD को कि किस प्रकार से आपको DD वो बनानी है। नेक्स्ट है, आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता की जांच अवश्य कर ले। यानी कि यहाँ नीचे जो है योग्यता दी हुई है, इस योग्यता की जांच कर लेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा जो है इसके बारे में जान लें, ठीक है। अदरवाइज जो है आप अगर आप अयोग्य साबित हुए तो आपकी जो यह आवेदन है यह जो है रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और राशि आपकी वापस नहीं होगी, यानी किसी प्रकार की रिफंडेबल जो है कंडीशंस नहीं है। आवेदन करने के पूर्व आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। आवेदन करते समय आपके पास डिमांड ड्राफ्ट, एक वैध मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। बिना इसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब सारे आपके लिए अनिवार्य हैं। आप जिस समय आवेदन करेंगे उस समय यह सब सारी चीज़ें जो है वांट के रूप में आपसे पूछी जाएंगी, मांगी जाएगी, तभी जो है आगे की स्टेप पूरी हो पाएगी। आगे बता दें आपको कि आपका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही आपके यूज़र आईडी के रूप में काम करेगा। यानी कि आपको सबसे पहले इस पर साइन अप करना है, देन आफ्टर आपको जो है साइन इन करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जिन विषयों के लिए रिक्त यानी कि विज्ञापन नहीं है, उन विषयों में अभ्यर्थी आवेदन नहीं करे। इसमें स्पष्ट जो है जो वैकेंसी निकली हुई है जिस विषयों के लिए, उसी के लिए आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे दी हुई है 1 दिसंबर 2019 को। शिशु मंदिर है तो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 19 वर्ष होनी चाहिए, विद्या मंदिर के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तथा अधिकतम आयु शिशु मंदिर या विद्या मंदिर दोनों के लिए 45 वर्ष है। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व रिक्ति के विषय एवं योग्यता की जांच कर ले। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने बताया है, लेकिन यहाँ मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि शिशु मंदिर स्तरीय यानी कि प्राथमिक खंड जो आपकी होगी उसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और संस्कृत की जो है आपकी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी योग्यता जो है वह इंटर या स्नातक भी अगर है, अगर इंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, और स्नातक भी है तो कोई समस्या नहीं है। यानी कि इंटर या स्नातक दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन इंटर स्नातक के साथ साथ आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। यानी कि या तो आप बीएड हो या डीएलएड किए हुए हों, ठीक है। आगे जो है मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार से विज्ञान, गणित और संस्कृत के लिए भी सेम जो है आपकी योग्यता होगी, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षित इट मीन बीएड या डीएलएड। अब आते हैं विद्या मंदिर स्तरीय। विद्या मंदिर स्तरीय में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी एवं भूगोल की वैकेंसी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भूगोल की वैकेंसी उन लोगों के लिए सिर्फ निकली हुई है जो अंग्रेजी माध्यम से यानी कि इंग्लिश मीडियम से भूगोल को का अध्यापन करा सके, यानी कि पढ़ा सके, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि इसमें विद्या मंदिर की जो योग्यता होनी चाहिए वो आपकी स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि जो है आपकी जो योग्यता होनी चाहिए या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट भी, और प्लस जो है आपको प्रशिक्षित यानी बीएड होना अनिवार्य है। इसमें डीएलएड नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें बीएड होना अनिवार्य है। और बीएड जो है मैं आपकी जो बीएड होगी उसकी जो सब्जेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि आप जो है अंग्रेजी से फॉर्म फिल करें और आपकी जो बीएड है वह जो है एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है ना। तो आपकी जो बीएड होनी चाहिए वो अंग्रेजी से होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर भौतिकी के लिए यानी कि फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बीएड होनी चाहिए वो फिजिक्स से होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से विद्या मंदिर प्लस टू स्तरीय यानी वरिष्ठ माध्यमिक की बात करें, ठीक है, तो वरिष्ठ माध्यमिक यहाँ पे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इन सब सारे चीज़ों की वैकेंसी, इन सब सारे विषयों की वैकेंसी है, और इसके लिए स्नातकोत्तर आवश्यक है। जी हाँ, स्नातक यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ जो है स्नातक से यहाँ काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको स्नातकोत्तर जो है होना अनिवार्य है और प्लस जो है बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है, और उसी प्रकार से आपकी विषय में होनी अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पूर्णतः भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर भविष्य के लिए रख लें। भरे गए फॉर्म की प्रति यानी कि 2 प्रति में फॉर्म जो है आपको डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक जब आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा। और यहाँ पे ₹300 की DD बनवानी है जिसकी मूल प्रति यानी कि DD ओरिजिनल DD को अंतिम तिथि यानी 25 दिसंबर के पहले यह जो है आपकी निबंधित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री या सिंपल डाक से भी आपकी 25 तारीख से पहले जो है
या आपकी जो आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद से फॉर्म फिल करने के बाद से फॉर्म प्रिंट करेंगे, फॉर्म प्रिंट करने के बाद से फॉर्म की प्रिंट आउट एंड प्लस जो है डीडी, ये दोनों जो है अटैच करके आपको एक एनवेलप में डालना होगा। साथ में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपकी जो आप एड्रेस डालेंगे वह एड्रेस और प्लस जो है लोक शिक्षा समिति की एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगी, तो उस प्रिंट आउट को भी जो है एनवेलप के ऊपर पेस्ट कर दे ताकि जो है पोस्टमैन आसानी से उसे डिलीवर कर पाए, आसानी से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा पाए। ठीक है, लिखित परीक्षा प्रदेश द्वारा निर्धारित केंद्रों पर होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रदेश यानी कि जो है यहाँ लोक शिक्षा समिति जो प्रांत कही जाती है, इसके द्वारा जो है अलग अलग जगह पे, अभी यह आउट नहीं हुई है कि कहाँ पे जो है परीक्षा होनी है, तो आपकी जो है जो प्रवेश पत्र आएगी, एडमिट कार्ड आएगी, उसमें जो है दिया रहेगा कि कहाँ पे इसकी परीक्षा होनी है और उसके बाद से आपको जो है इसमें लिखित परीक्षा देनी होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद से जो है एक साक्षात्कार होगा यानी कि एक इंटरव्यू होगी, देन आफ्टर आपका इसमें चयन हो पाएगा। प्रवेश पत्र अंतिम तिथि के बाद निर्गत किया जाएगा। शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर दोनों ही स्तर पर दो दो पत्रों में परीक्षा होगी। दो दो पत्र यानी कि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपका प्रथम पत्र जो होगा, जो आप ऐच्छिक विषय ले रहे हैं अपनी विषय, वह होगी अनिवार्य विषय। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी हो गया, और द्वितीय विषय जो कि आपकी कॉमन होगी यानी कि सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी और सामान्य ज्ञान होगा, यानी यह सभी के लिए होगा। चाहे वह अगर कोई व्यक्ति हिंदी भी भरते हैं तो उनकी हिंदी जो है अनिवार्य विषय जो है प्रथम पत्र होगी, और द्वितीय विषय में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। यहाँ पे एक नोट में है, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ कि इंटर एवं स्नातक का अंक पत्र भी आवेदन के साथ भेजें, यानी कि आपको जो आवेदन करना है इसके साथ साथ इंटर एवं स्नातक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जो है आपको, मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी जो है आपको भेजनी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवेदन जो है और सिर्फ डीडी लगा के भेजना है, आपको इसके साथ जो है आपकी अंक पत्र भी जो है भेजनी है। इसके अलावा अगर विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ संपर्क सूत्र जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। इस संपर्क सूत्र पे आप 11 बजे से 5 बजे तक आराम से जो है बातचीत कर सकते हैं और भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे जो है इसको क्या करना है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से इस पूरे फॉर्म को जो है फिल करना है। ठीक है, और जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद से आपको यहाँ पे एक टिक करनी है। टिक करने के बाद से जो है स्क्रॉल डाउन करना है पेज को और सबमिट की बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट की बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपकी फॉर्म की ये पूरी जो है पेज ओपन हो जाएगी। देन आफ्टर आपको जो है यहाँ पे, चूँकि आप लॉगिन ऑलरेडी करने के साइनअप करते समय अपनी पूरी डिटेल डाल चुके हैं, तो जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ग्रे कलर से उसको फिल नहीं करना है, और जो ब्लैंक है उसमें जो है अपनी सारी जो है डिटेल्स आपको बारी बारी से जो है डाल देनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी मदर्स नेम, ठीक है, फिर जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर और फिर आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इस प्रकार से फिल करनी है। ये सब सारे जो है फिल करने के बाद से आपको नीचे एड्रेस बार दिया होगा, यहाँ पे एड्रेस जो है टाइप कर देने होंगे। उसके बाद से आपको अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपकी, यानी कि आपकी जो अर्हताएँ हैं उसे जो है पूरा करते हैं अगर आप, तो आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशंस की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। एक बात का प्रायः ध्यान रखें कि अपनी जो आधार कार्ड नंबर है वो बिल्कुल सही सही जो है डालिएगा, क्योंकि जो है काउंसलिंग के समय आपके आधार नंबर की आवश्यकता बिल्कुल जो पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए किसी प्रकार की क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने MB की ही जो है चाहिए, तो इसलिए आप आसानी से जो है अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। देन आफ्टर आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस फीड करनी है। ठीक है, तो एड्रेस फीड करने के बाद से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो स्पेशलाइजेशन यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। देन आफ्टर आप जो है अगर यहाँ पे टिक कर लेते हैं, टिक करने के बाद से जैसे ही आप इंटर करते हैं डीडी डिटेल, तो आपको यहाँ पे डीडी डिटेल की जो है एक ऑप्शन जो है नीचे मिल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले बैंक सिलेक्ट करने हैं डीडी की, यानी डीडी जो है किस बैंक से आपने बनवाया है, ठीक है, उसको, उस बैंक को सिलेक्ट करना है। फिर डीडी नंबर डालने हैं, देन प्लेस जो है डालना है, यानी कि आपकी जो बैंक है वो किस प्लेस पर जो है यानी कि कहाँ पर है। देन आफ्टर डीडी की डेट डालनी है, और उसके बाद से डीडी आप 300 की डाल रहे हैं, वो आपको ग्रे कलर से हाईलाइटेड है, इस वजह से वहाँ पे कुछ नहीं डालना है। देन आपको डीडी नंबर यहाँ पे फिट करनी होगी, और उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह सब जो है फिल करने के बाद से आपको सबमिट करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे एक जो है एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसे ज़रूर नोट कर लें ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए
आपके यह काम आएगा। देन आफ्टर डाउनलोड सेक्शन पे जाएंगे और उसके बाद से जो है डाउनलोड फील्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फील्ड फॉर्म यानी कि आपने जो फॉर्म जो है फिल कर दिया है, अब इसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपकी फॉर्म जो है फिल हो चुकी है। यह जो है दो कॉपी में फिल हुई है, यहाँ देख सकते हैं इसकी दो कॉपी है। ये फर्स्ट कॉपी आपको जो है पहला जो पेज दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा, और इसके बाद से एक और जो है नीचे है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी आपको, यहाँ कैंडिडेट कॉपी और यह जो है ऑफिस कॉपी है। तो इसमें से एक जो है कॉपी आपको वहाँ पे भेजनी है, ठीक है, और यह जो है एड्रेस है जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यह जो है कैंडिडेट कॉपी एक दिख रही है जो फॉर्म की, ठीक है, और यहाँ जो है एक ऑफिस कॉपी, ठीक है। तो इस ऑफिस कॉपी को जो है आपको इनवेलप में पैक कर देना है और उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस है जो कि आपने अपना एड्रेस डाला था और यह जो है लोक शिक्षा समिति की एड्रेस है, ये ऑलरेडी जो है प्रिंटेड है। तो आपको जो है यह पेस्ट कर देना है इनवेलप के ऊपर और आपने जो है दो चीज़ें जो है डाल रखी है फॉर्म में, यानी कि फॉर्म फील्ड फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। इसके अलावा अपने इंटरमीडिएट और स्नातक की सर्टिफिकेट की कॉपी भी आपको भेजनी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी ये लोक संवाद की वीडियो आपको, प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वैकेंसी के बारे में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वैकेंसी का लाभ उठा सके। मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में कोई सीट्स नहीं होते हैं, जितने भी व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं उन सभी सभी लोगों की नियुक्ति हो जाती है। पूरे भारत में जो है हर जगह जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ 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 जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अभी जो उत्तर बिहार के जितने भी विद्यालय हैं उनके लिए जो वैकेंसी आई हुई है, तो उत्तर बिहार के जितने भी वैसे कैंडिडेट जो कि पूरे भारत से अगर उत्तर बिहार में जॉब करना चाहते हैं सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में, तो प्लीज़ जो है आप सभी जो है इस फॉर्म को फिल कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।